हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं हूं जफर इकबाल और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस जेड टेक्निकल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस तरह का वीडियो स्टेटस कैसे क्रिएट किया जाता है। तो गाइस, अगर आप भी इस तरह का वीडियो स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलें गाइस, काइन मास्टर को ओपन करते हैं और उसके बाद गाइस इस प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहां से अपनी वीडियो के रेशो को सिलेक्ट करना है, तो 1:1 के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद गाइस करने के यहां से एक बैकग्राउंड वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे और उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके बाद गाइस लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से एक पीएनजी इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद गाइस इसकी ड्यूरेशन भी बैकग्राउंड के बराबर कर लेंगे कुछ इस तरह से। और उसके बाद गाइस इसको जूम आउट करेंगे कुछ इस तरह से। जूम आउट करने के बाद गाइस इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे और उसके बाद गाइस की के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। की के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस इस वीडियो को कुछ इस तरह से मूव करेंगे और उसके बाद गाइस इस इमेज को भी कुछ इस तरह से मूव कर लेंगे। और उसके बाद गाइस करना क्या है, इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस फिर से लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहां से एक और पीएनजी इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद गाइस इसकी ड्यूरेशन भी बैकग्राउंड के बराबर करेंगे कुछ इस तरह से। और उसके बाद गाइस इसको भी जूम आउट करेंगे कुछ इस तरह से। जूम आउट करने के बाद गाइस इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे और उसके बाद गाइस की के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। की के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस इस इमेज को भी कुछ इस तरह से मूव कर लेंगे यहाँ पर और उसके बाद गाइस इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस करना क्या है, फिर से लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है। मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद गाइस इसका ग्रीन कलर रिमूव करना है तो क्रोमा की के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद गाइस इसको इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने के बाद गाइस करना क्या है, यहाँ से इसकी सेटिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से और उसके बाद गाइस इसको जूम इन करेंगे कुछ इस तरह। जूम इन करने के बाद गाइस की के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। की के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस इस वीडियो को कुछ इस तरह से मूव करेंगे कुछ इस तरह से और उसके बाद गाइस इस इमेज इस वीडियो को भी कुछ इस तरह से मूव कर लेंगे और उसके बाद गाइस इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस करना क्या है, फिर से लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है। मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से ग्राफ पीएनजी इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके बाद गाइस इसको कुछ इस तरह से जूम इन कर लेंगे कुछ इस तरह और उसके बाद गाइस इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे और उसके बाद गाइस की के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। की के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस इस वीडियो को कुछ इस तरह से मूव करेंगे और उसके बाद गाइस इस इमेज को भी कुछ इस तरह से मूव कर लेंगे और उसके बाद गाइस इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से एक और इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके बाद गाइस इसकी ड्यूरेशन भी बैकग्राउंड के बराबर कर लेंगे hey there, इस तरह से। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस दिस बेल आइकन। जूम इन करने के बाद गाइस इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे और उसके बाद गाइस की के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। की के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस इस इमेज को कुछ इस तरह से मूव करेंगे कुछ इस तरह से और उसके बाद गाइस इसको डन करेंगे। डन करने के बाद गाइस लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद गाइस इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद गाइस यहाँ से बेसिक इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद गाइस यहाँ से ये फर्स्ट वाला इफेक्ट इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद गाइस इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से और उसके बाद गाइस इसको ड्यूरेशन भी बैकग्राउंड के बराबर कर लेंगे कुछ इस तरह से और उसके बाद गाइस इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस इसमें सॉन्ग वीडियो को ऐड करना है तो लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से सॉन्ग वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे
और उसके बाद गाइस इसको ब्लेंडिंग करना है तो ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सब्सक्राइब टू माय चैनल के बाद गाइस करना एंड आल्सो प्रेस दिस बेल आइकन क्लिक कर देंगे कुछ इस तरह से। और उसके बाद गाइस इसको यहां पर एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से। और उसके बाद गाइस इसको भी डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस इसमें टेम्पलेट वीडियो को ऐड करना है तो लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइस यहां से टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद गाइस करना क्या है, इसको फुल स्क्रीन करना है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद गाइस यहां से फास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। और उसके बाद गाइस इसको ब्लेंडिंग करना है तो यहां से ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद गाइस यहां से स्क्रीन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। स्क्रीन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइस इसको डन करेंगे। डन करने के बाद गाइस फिर से लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइस यहां से एक और इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी ड्यूरेशन भी बैकग्राउंड के बराबर कर लेंगे कुछ इस तरह से। और उसके बाद गाइस इसको जूम इन करेंगे कुछ इस तरह से। जूम इन करने के बाद गाइस करना क्या है, इसको यहां पर एडजस्ट करेंगे। और उसके बाद गाइस की के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। की के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइस इस वीडियो को कुछ इस तरह से मूव करेंगे। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस दिस बेल आइकन। उसके बाद गाइस इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस करना क्या है, अपनी वीडियो को प्ले करके देखते हैं हमारा वीडियो किस तरह से क्रिएट हुआ है। तो चलें गाइस वीडियो को प्ले करते हैं। तो गाइज हमारे वीडियो कुछ इस तरह से क्रिएट हो चुका है। तो उसके बाद गाइज इसको एक्सपोर्ट करना है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद गाइज यहां से एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे।